हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है बिजनेस एडिटर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो मैं आज आ गया हूं कांशीराम पार्क में, जिसे स्मृति उपवन भी कहते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि गेट तैयार हो रहा है और बात करेंगे आज महोत्सव की। तो लखनऊ में आपका लग गया है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2023, यहाँ पर आपका स्वागत है। और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है 30 नवम्बर से और ये जो उत्सव है वो चलेगा 15 दिसंबर तक। और ये जो है, मैं स्थल बता दे रहा हूँ जहाँ पे ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है माननीय कांशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन, बंगला बाजार आशियाना लखनऊ। तो इसका इनॉग्रेशन कल हो चुका है और चलिए मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये महोत्सव में क्या क्या चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपको यहाँ पर खींच के ले आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे दोनों तरफ आपको जो है यहाँ पर अभी देखिए माल उतर रहा है, सारा आपको फर्नीचर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फर्नीचर में क्या क्या है। शो पीसेज आए हुए हैं और पॉट स्टैंड है और कॉर्नर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टेबल्स भी हैं, चेयर हैं, अभी क्योंकि आज पहला दिन है तो आज जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, माल आ रहा है, सारा स्टॉक इनका उतरेगा। और फिर जो है सामने स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जो है कुछ साड़ियों की दुकान भी आपको मिल जाएगी और ये भी इस वक्त सेल भी लगी हुई है। साड़ी सेल 200 रुपये, ये जो साड़ी आपको है 200 रुपये में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये कपड़ों की लाइन है, यहाँ पर जो है कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। आई थिंक ये कश्मीरी कपड़े हैं, कश्मीरी कपड़े ना भैया। तो इस सारे स्टॉल्स लगे नहीं हैं तो मैं इसका दूसरा अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। फिलहाल मैं आज पहला दिन है तो मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। कारपेट आ गए हैं, कालीन जिन्हें हम बोलते हैं, तो अगर आप कालीन लेना चाहते हैं तो कालीन की दुकानें भी लग गई हैं यहाँ पर। सारा भी माल खुल रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या दुकानें आने आ गई हैं और क्या आने वाली हैं। और विंटर सीजन चल रहा है इसलिए देखिए यहाँ पर कंबल और वुलन के बहुत सारे आइटम्स भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा वुमेन एक्सेसरीज की भी शॉप आपको देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं कि कितने हैवी हैं, एक इन्हें जो है क्रेन के थ्रू जो है लाना पड़ रहा है, तो कितना खर्चा होता है इसको एक जगह से लाने में ले जाने में, इसलिए बहुत कॉस्टली आते भी हैं ये। और काफ़ी ज़्यादा इसमें कलाकारी की गई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिज़ाइन बनाई गई है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कंबल आए हुए हैं यहाँ पर, रजाई कह सकते हैं, कंबल कह सकते हैं, ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। विंटर सीजन होने के चलते यहाँ पर आपको वुलन कपड़े भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये रजाई है, सामने भी आपको दिखेंगे रजाई, तो मैं बात कर रहा था कि वो देखिए यहाँ पर लगे हैं वुमेन वियर्स हैं ये, आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है मूर्तियाँ मिल रही हैं छोटी छोटी, इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है क्रॉकरी के भी आइटम आए हुए हैं, चीनी मिट्टी के यहाँ पर आपको जो है मग मिल जाएंगे और कप के सेट भी मिल जाएंगे, सामने आप देख सकते हैं। पूरे सेटअप में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कितने सारे कारपेट कालीन आए हुए हैं, बस सारी चीज़ें भी खुल रही हैं, सारे रैप्ड हैं और जैसे जैसे खुलती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ रौनक बढ़ती चली जाएगी। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे सामने जो आपको दिख रहा है वो सारे जितने भी स्टॉल हैं वो सारे खाने पीने के हैं। आप देखेंगे राजस्थानी फूड और गुजराती, ये दिल्ली के मशहूर स्पेशल छोले कुलचे और ये सारी चीज़ें वहाँ पर लग गई हैं। पंजाब का भी आपको खाने का टेस्ट यहाँ मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये जो है मार्बल के कुछ आइटम्स मिल जाएंगे, फाउंटेन्स आपको मिल जाएंगे अगर आप घर कॉर्नर में यहाँ सजाना चाहते हैं तो, यहाँ फाउंटेन भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स यहाँ पर हैं। और ये कुछ मार्बल के आपके शो पीसेज हैं आप देख सकते हैं, ये कुछ बैग। ये क्या प्राइस होगा इनका? हाँ जी 600, तो स्टार्टिंग हो जाती है 600 समथिंग से, बाकी आप आई थिंक बार्गेन करा सकते हैं। बाकी ये कुछ स्टैचू रखे हुए हैं कुछ एनिमल्स के, यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं ये देख सकते हैं आप, सारे मार्बल के हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं
और वो देखिए सामने देखिए एक स्टैंड के साथ भी कुछ जो है आपके स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं। ये फाउंटेन है, आप अगर अपने घर में कोई आपके गार्डन स्पेस है या फिर कोई ऐसी छत पे भी आप इसको लगा सकते हो। मुझे लग रहा है अराउंड, मैंने इसे एक बार पूछा था, ये करीब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ही आता है। साइजेस हैं, साइज आप पसंद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आगे देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ कप मिल जाएंगे चीनी मिट्टी के, ये कप हैं। अच्छा ट्रेंडिंग है, और आगे देख रहे होंगे वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं। अच्छा काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसमें लोग आजकल खाना पका रहे हैं। तो यहाँ ये भी देख सकते हैं आप दुकानें, अब काफ़ी दुकानें अभी खुलनी हैं, लगनी हैं, फूड स्टॉल भी सारे अभी लगे नहीं हैं। यहाँ भी देखिए कालीन देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आपको बेड शीट्स और कंबल, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, रजाई गद्दे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि विंटर सीजन है तो ये हर बार आते हैं महोत्सव में। तो अभी जो है इस बार हम लोगों ने उत्तराखंड महोत्सव को कवर नहीं किया था क्योंकि वो डेट निकल गई थी, तो हमें पता चला कि वो महोत्सव लगा हुआ है। हम थोड़ा बाहर भी गए थे इस वजह से हम कवर नहीं कर पाए। बाकी लखनऊ के सारे इवेंट्स हम कवर करते हैं, लेके आते हैं, अपडेट सारे देते हैं लखनऊ को लेके। और सर आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि कॉमर्शियल हैं, आपको अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटी करने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं झूला आया हुआ है, आपको यहाँ पर हर तरह के जो है राइड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, सारे अभी काउंटर्स खाली हैं, स्टॉल खाली हैं। और तो अभी आप 2-3 दिन के बाद आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज महोत्सव का पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि कवर करके मैं आपको दिखा दूं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं, जिन्हें देखकर आप एक प्लान तैयार कर सकते हैं कि मुझे ये जाके वहाँ पे करना है या शॉपिंग करनी है। अभी देखिए जेसीबी से सारी चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं, कुछ झूले लग चुके हैं बट वो अभी जो है चालू नहीं है, स्टार्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपकी सारी ड्रैगन आपको यहाँ पर जो है राइड मिल जाएगी, ट्रेन राइड मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, तो आप आ सकते हैं। बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर आ गए हैं और सब अभी लगाए जा रहे हैं। तो आप 3 से 4 दिसंबर में आएंगे तो सारे हर चीज़ आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाएगी। बाकी ये जो महोत्सव है ये 30 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये चलेगा 15 दिसंबर तक, लेकिन जो है डेट एक्सटेंड होगी। और इसके अलावा लखनऊ में और भी इवेंट्स आने वाले हैं, वो सारे इवेंट्स भी हम कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं अपकमिंग, और प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं सारी हम शेयर करते रहेंगे। तो चलिए मैं एक और बहुत खास चीज़ें महोत्सव की वो चल के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि जो महोत्सव है उसमें एक बहुत ही खास चीज़ ये है कि जो आप सामने मंच देख रहे हैं, इस मंच पर लोग अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ में अगर आप टैलेंटेड हैं, चाहे वो कोई संगीत हो, चाहे कोई डांस हो, या आप सिंगिंग करते हो, या कोई भी कला है, अगर आप इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। आप यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट पर आकर आप अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको सम्मानित भी किया जाएगा और आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, हर बार महोत्सव में ये की जाती है। तो ये मंच आपके लिए है, आपको इसके लिए निमंत्रण है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे ही हर महोत्सव में इस मंच को बनाया जाता है और यहाँ पर लोग अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर जो है कई जो है बॉलीवुड से कलाकार भी यहाँ आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर अपना डांस, अपना सिंगिंग, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। वो भी आप देखकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर जो है क्लासिकल डांसेस भी होते रहते हैं और नाटक और बहुत सारे मंच, इस तरह के जो है यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है आप वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, वो सारे इसमें जो है डिटेल्स आपको मिल जाएंगी किस दिन कौन सा यहाँ पर फंक्शन होने वाला है या इवेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। लखनऊ से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए इसका जब पूरा मेला ये लग जाएगा, पूरा महोत्सव जब लग जाएगा, तो मैं एक और इसका ब्लॉग बनाऊंगा। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।